हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट करेंगे DJI एक्शन 2 कैमरा का एक्सटर्नल माइक टेस्ट। तो ये हैं पावर मॉड्यूल। और ये हैं मेन कैमरा मॉड्यूल। ये हैं 3.5mm ऑडियो जैक टू सी टाइप कन्वर्टर केबल। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बोया माइक का ऑडियो जैक एक साइड लगेगा और दूसरी साइड सी टाइप कनेक्टर जो कैमरे में लगेगा। तो ये है बोया का BY-M1 माइक, जिसका वायर 20 फीट लंबा है। ये माइक को हम हेलमेट के अंदर लगाएंगे। और ये पॉप फिल्टर है जो हवा की आवाज को कम कर देता है। ये स्टड्स का थंडर D4 हेलमेट है जिसमें हम माइक फिट करेंगे। ये है चीन स्ट्रैप माउंट, जहां कैमरा माउंट होगा। इसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माइक कुछ इस तरह कन्वर्टर में लगेगा। और यहां पर लगा है 256GB का मेमोरी कार्ड। चलिए माइक लगाकर टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइक लगते ही यहां माइक का इंडिकेशन आ गया। इससे पता चल जाता है कि माइक सही तरीके से कैमरे के साथ काम कर रहा है। अब हम इसे हेलमेट में कंप्लीट इंस्टॉल कर लेते हैं। यह है मेरा इन हाउस टेस्ट ये माइक का। अब हम बाइक पे राइड करके डिफरेंट स्पीड पे ये चेक करेंगे कि हमारा वॉइस कितना क्लियर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। देखिए मोटो व्लॉगिंग के लिए जो उसके स्पेशल एक्सटर्नल माइक आते हैं रिफ्लेक्शन कैमरा के, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने देखा वहां पर आप क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी लेने जाओगे तो फिर वो आपको 3000 से ऊपर ही माइक पड़ेगा। पर ये जो मेरे पास है बोया का BY-M1 मॉडल, वो एक लेवेलियर कंडेंसर माइक है। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। तो जनरली ये माइक मैंने नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर के लिए लिया था, वो भी 2019 के साल में। तो 4 से 5 साल तो ऑलरेडी इसके हो गए। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है हम, और हमें कुछ ऐसे साउंड क्वालिटी मिल रही है। और हम अच्छे से स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं ट्राई करूँगा कि कोई अच्छा रोड मिल जाए तो उस पर हम एक अच्छे से स्पीड पे वॉइस टेस्ट कर पाए। राइट,
यहाँ पे मेरा बाइक 80 के ऊपर है, और अभी मेरा जो साउंड क्लियर है कुछ आपको ऐसा आ रहा होगा। यहाँ पे मैं 100 क्रॉस कर सकता हूँ, बट वी डोंट नीड टू क्रॉस 100, पहले आइडल कंडीशन में देख लेते हैं इसका आउटपुट कितना बेहतरीन आता है।